अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में हम वर्डप्रेस को स्टडी कर रहे थे और आज हम स्टडी करेंगे WooCommerce को। WooCommerce एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एक स्टोर डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स एक फील्ड है फ्रीलांसिंग की, या इंटरनेट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो इस तरह WooCommerce उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर आप कह सकते हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर आप आएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे आप सर्च करेंगे WooCommerce। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और थोड़ा सा वेट करेंगे आप जब तक इंस्टॉल होता है। अच्छा, इसके साथ हम ये नीचे तमाम जो बाकी एक्सेसरीज़ हैं WooCommerce की, वो भी डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे और उस पर भी काम करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ WooCommerce को इंस्टॉल करना है। और जैसे कि WooCommerce फेसबुक, WooCommerce व्हाट्सएप, WooCommerce पेमेंट सिस्टम, बाकी तमाम के तमाम एक्सटेंशंस और बाकी तमाम मॉड्यूल्स वगैरह हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और अपनी वेबसाइट के साथ इसको अटैच करेंगे और ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ। ख़ास तौर पे WooCommerce बेसिकली एक स्टोर है जिसके ऊपर आप अपने 1000 से ज़्यादा या 5000 से ज़्यादा अपने हिसाब से, अपने शॉप के हिसाब से आप प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, एक स्टोर को स्टोर की हैसियत दे सकते हैं WooCommerce को। तो यहाँ पर हम बेसिकली आज स्टोर बनाएंगे। सो हम वेट कर रहे हैं WooCommerce को इंस्टॉल होने का। यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, हमने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं WooCommerce का ऑप्शन आपके सामने शो होगा। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और यहाँ पे आप देख सकते हैं WooCommerce का ऑप्शन शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे। आपने WooCommerce पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने, ये आपके सामने शो हो रहा है जो इंस्टॉल प्लगइन्स हैं ये सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। WooCommerce पे क्लिक करना है और आपने होम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का सिंबल आया हुआ है होम पे, यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं WooCommerce की सेटिंग्स। और होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप WooCommerce को के एडिट ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी डिटेल स्टोर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्टोर डिटेल, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, अपने स्टोर का एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन आपने फिल कर दी। सेकंड पे ऑप्शनल है, आप इसको फिल कर सकते हैं नहीं तो आप रहने दें। सिटी आपने सिटी डाल देना है, उसके बाद पोस्टल कोड डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और रीजन पे आपने, आपका जो रीजन होगा आपने वो डाल देना है, बेसिकली हम पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फिलहाल हमें कोई एक्स्ट्रा फीचर की ज़रूरत नहीं है, सो हम नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह के कैटेगरी या प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाह रहे हैं। आप सब के सब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे आपने उनकी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। थर्ड टाइप ने आपने
प्रोडक्ट टाइप बतानी है, फिज़िकल प्रोडक्ट्स मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, या डाउनलोड्स मतलब जो वर्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, सपोज कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन वगैरह, तो वो आप सेल करेंगे। तो मैं फ़िलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मोर देन 1000, और यहाँ पर अभी नो सिलेक्ट कर लेते हैं और चेक हम नहीं करते और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, और ये सब डिटेल आप देख सकते हैं। सो हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम फिलहाल इंस्टॉल कर रहे हैं WooCommerce को, इसलिए आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर तमाम की तमाम थीम्स आपको मिल जाएंगे, इसमें से आप अपने पसंद का कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्री थीम्स पे जाऊँगा क्योंकि मैं अभी सेल नहीं करना चाह रहा। फ्री थीम्स में से आप अपने पसंद का कोई भी थीम्स चूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए। यहाँ पर एक थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं थीम सेलेक्ट करूँगा मैं एक नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा, और यहाँ पर आपने अपने स्टोर की मज़ीद डिटेल ऐड करनी है, इसमें पेमेंट सिस्टम और बाकी तमाम के तमाम स्टेप आपने फिल करने हैं। अभी हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया है, बाकी 6 स्टेप हमारे पास अभी बाकी हैं। सो यहाँ तक हम WooCommerce को इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ पर तमाम की तमाम डिटेल आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। सो WooCommerce को मुकम्मल फिल करना, उसमें मुकम्मल डिटेल ऐड करना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज तक की वीडियो में यहाँ तक था। थैंक यू वेरी मच।